कैरियर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीना रुंगटा आप लोगों को द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा यह चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। यानी हमारे ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां रची गई हैं जिसमें पशु पक्षी जानवर इन सब पर आधारित कर जो भी कहानियां बनाई गई हैं उसमें यह बताया गया है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का कौशल दिखाते हुए कैसे बड़े से बड़े डर से भी मुक्त हो सकते हैं, किसी बड़े संकट को भी हम अपनी बुद्धि के द्वारा टाल सकते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राशिय नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृह प्रति गृहं प्रति चलिता। देवला नाम का एक गांव है, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहा करता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती, यानी उसकी राज सिंह की पत्नी का नाम था बुद्धिमती, वह अपने दो बेटों के साथ पुत्र द्वयोपेता अपने दो बेटों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहित्य जगात् कथमेक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा अयम एकस्तावत् विभज्य मुच्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। वह बाघ को आते हुए देख करके अपनी कठोरता से धार्ष्ट्यात मतलब कठोरता से अपने दोनों बेटों को थप्पड़ से मारते हुए बोली, यानी बाघ को आते हुए देख करके वह डरी नहीं बल्कि उस बाघ को डराने की उसने कोशिश की और निडरता से अपने दोनों बेटों को मारते हुए बोली कि तुम दोनों क्यों एक एक करके इस बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, तुम लोग क्यों बोल रहे हो इस बाघ को मैं खाऊंगा, अभी ये एक आया है इसको बांट करके खा लो, बाद में दूसरा भी कोई देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। यह सुन करके ये कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, काचित यम इति, यह मतलब यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, यह मान करके बाघ डर से व्याकुल हो गया और भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते भयतो महतो भयात। अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से वह भामिनी वह स्त्री बाघ के डर से मुक्त हो गई, बच गई। दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस दुनिया में, बुद्धिमान लोके यानी इस दुनिया में दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया में वो बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रीगाला हसन्ना भवान कुतः पलायी भयात पलायितः। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम् हन्तुम् आरब्धः परम गृहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। भय से व्याकुल व्याघ को देख करके किसी धूर्त किसी चालाक सियार ने जैकल ने हंसते हुए उससे कहा कि आप कहाँ से ऐसे डर करके भागे जा रहे हैं। तो बाघ ने कहा कि जाओ जाओ सियार जम्बुक, श्रीगाल और जम्बुक दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, दोनों का मतलब सियार। तो तुम हे सियार तुम भी यहाँ से भाग जाओ, तुम भी
किसी छुपने की जगह में चले जाओ, गूढ़ प्रदेश अब छुपने की जगह में चले जाओ, क्योंकि क्योंकि बाघ को मारने वाली, जिसके बारे में शास्त्रों में सुना जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन गृहित कर जीवितो, जान हथेली पर लेकर के तद अग्रता शीघ्रम नष्ट, उसके आगे से मैं जल्दी से भाग गया। श्रीगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यन्मानुषादपि।